मॉर्निंग एवरीवन। तो ये अभी ब्रेकफास्ट दिया है मॉर्निंग का, इसमें यह है ब्रेड और इसमें आपका नॉन वेज के लिए ऑमलेट प्लस कुछ वेजेस कैरोट एंड आपका मटर ग्रीन मटर एंड बटर एंड मिल्क पाउच टी पाउच स्पून एंड इधर दिया था आपका जूस और एक ये जूस दिया था जूस मैंगो जूस। ये सब कुछ नहीं खाऊंगा, जस्ट ही ब्रेड और ऑमलेट ये खाऊंगा, बटर भी नहीं खाऊंगा, सब कुछ नहीं खाऊंगा, मैं खाने को नहीं है। तो ये है ब्रेकफास्ट का जो चीज़ ब्रेकफास्ट दिया है। हेलो एवरीवन, तो मॉर्निंग 5:30 को ट्रेन में उठ गया था, तो उसके बाद थोड़ा सेटअप करने में बहुत थोड़ा दिक्कत हो गया और थोड़ा दूसरा बोगी में उठा था, तो खुद का बोगी में खुद का सीट में आने में काफ़ी टाइम लग गया, उसके बाद सेटअप करने में टाइम लग गया, तो अभी रेस्ट कर रहा हूँ। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम की आई थिंक 4-5 ईयर्स के बाद ऐसे ट्रेन में जर्नी किया है, राजधानी और नॉर्मल ट्रेन में भी, तो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आफ्टर 4-5 ईयर्स के बाद पता नहीं है, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस आफ्टर 4-5 ईयर्स के बाद। तो बहुत छोटा स्पेस है, मैं हूँ हाइट 6.1, तो बहुत दिक्कत हो जाता है 6 फीट इंसानों के लिए ट्रेन में जर्नी करना, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली ट्रेन, बहुत चीज़ों में ही लाइक वो हो जाता है, कुछ कुछ कारों में भी फिट नहीं आ पाता है हाइट, वैसे हाइट अच्छा है। मेरा जो सीट है मैं हमेशा ट्रेन में जाने के लिए ऊपर में ही रहता हूँ, क्योंकि ऊपर का सीट मुझे पसंद होता है, क्योंकि नीचे बहुत लोग उतरना चढ़ना होना पड़ता है, और नीचे का सीट क्या होता है कभी कभार बैठने के लिए भी उसको खोलना पड़ता है, तो इसीलिए ऊपर का सीट ही मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में जब हम लोग बैग सेटअप कर रहे थे तो टी टाइम हुआ था, तो टी टाइम में कुछ दे दिया था, मैं इतना वो ले नहीं पाया, कंज्यूम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बैग वगैरह अपना सीट सेटअप करने में लगा हुआ था, और बाकी लंच में थोड़ा देर बाद आएगा सर, तो लंच का भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वैसे ही ये है मेरा बेड का, ये है बेड का सेटअप है। तो लंच में भी क्या देते हैं तो आप लोगों को दिखाता हूँ, बाकी वैसे ही आ रहे हैं। ये है लंच का प्लेट, ये दिया था जीरा राइस और ये चिकन करी और सम इंडियन ग्रेवी और ये दही और ये डेजर्ट आई थिंक गुलाब जामुन है शायद, और ये जो चिकन है ये घर से बना के लाया था, इन लोगों का जो चिकन है ये इतना अच्छा नहीं था, सबको ही पता है इतना अच्छा होता नहीं है, और ये अंडा भी घर से बॉईल करके लाया था, और चिकन जो है घर से लाया हुआ चिकन के साथ खा रहा हूँ, जीरा राइस और यही बस यही लंच था। गाइस ये दिया है स्नैक्स के लिए, और स्नैक्स में दिया है कचौरी जो मैं खाता नहीं हूँ, और ये है थाल में जो मैं खाता नहीं हूँ, और ये है चेंग सोन पापड़ी, सोन पापड़ी होगा हल्दीराम्स का, और सबसे जो मेरा फेवरेट है ये एक भी छाना, और यही जो चीज़ है मेरा खाने वाला लायक का चीज़ दिया है कुछ, बाकी ये सब कुछ चीज़ मैं खाता नहीं हूँ तो नहीं खाऊंगा। तो यही है शाम का, आप शाम भी पकड़ सकते हो शाम का स्नैक्स।